हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आखिरी मौका है तेरे पास अपनी जान बचाने का। इस घर से इतना मोह क्यों है तुझे? क्यों अपनी जान देने पे तुली है? बाहर निकल। लगता है ये बुढ़िया टेलर से खुश नहीं होती। इसको पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये बदमाशों के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी, नहीं झुकाऊंगी, नहीं झुकाऊंगी। ए बुढ़िया, इंटरवेल हो गया फिल्म का, अभी भी समझ जा, घर खाली कर दे वरना फिल्म के साथ साथ तेरा भी डी एंड हो जाएगा। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। कहाँ है बुढ़िया? बाहर निकल, यही कहीं छुपी होगी। उठो से, बाहर निकल बुढ़िया, बाहर निकल, बाहर देखो। बॉस यहाँ है वो। तो यहाँ छुपी बैठी है बुढ़िया, ले चलो इसे। ओ चलो इधर, चलो यार। क्या सोचा था तुमने, हमसे जीत जाओगी? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे जो चीज पसंद आती है मैं छीन लेता हूं। आज से ये घर भी मेरा हुआ, और ये घर जिस जमीन पे बना है वो भी मेरी, समझी? कभी नहीं। अगर तुझे मेरा घर चाहिए ना, तो तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। सुना तूने? मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अरे पापा, क्या फिल्मी डायलॉग मारती है, मैं तो डर गया। बॉस अब करना क्या है इसका? करना क्या है, आंटी की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। बड़ा लगाव है ना इसको इस घर से, यही इसकी चिता जलाते हैं। जुर्म की आग चाहे कितनी ही भड़के, कानून के समंदर में आके उसे बुझना ही पड़ता है। घर में बोल के आया है ना कि आज घर वापस नहीं आऊंगा, ससुराल जाना है। मार बेटा, मार इन्हें। ये मुझसे मेरा घर छीनना चाहते थे, मार इसे, मार इसे, मार इसे, मार बेटा।
सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। इस एरिया के सब इंस्पेक्टर को फौरन यहाँ भेजिए। हाँ, 5 मुजरिमों को गिरफ्तार करना है, जल्दी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी थी और ये बदमाश मुझसे मेरा आशियाना छीनना चाहते थे। ऐसे कैसे छीन लेते माँ जी? आम लोग निडर होके जी सके, इसीलिए तो कानून की शपथ ली हमने। बहुत किस्मत वाली है वो माँ जिसने तुम जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। अफसोस माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं है कि वो है कौन। क्या आज के बाद बेटा कभी मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ। ये माँ का आशीर्वाद समझकर अपने गले में डाल लो बेटा, और इसे कभी मत निकालना। क्या दया, ये रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा क्या प्लान? रिटायरमेंट? ये अचानक रिटायरमेंट की बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई अभी? कहीं सीआईडी छोड़ने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है। वो कल ऐसे ही बैठे बैठे एक ख्याल मेरे दिमाग में टपक पड़ा यार कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, सीआईडी से रिटायर हो जाएंगे, तो हम लोगों की लाइफ होगी कैसी? हाँ, अगर शादी होगी होगी तो पोतों को खिलाएंगे, अगर नहीं तो किसी गार्डन में बैठे होंगे अकेले और याद करेंगे बीती हुई बातों को। और क्या, ये बात तो है। वैसे तुम अपने पोतों को दरवाजे तोड़ने के किस्से जरूर सुनाना। तुम क्या, मैं सुनाऊंगा तुम्हारे पोतों को? और अपनी दोस्ती के किस्से भी सुनाऊंगा यार। अभिजीत, पोते होने के लिए शादी होना भी बहुत जरूरी है। तुमने तो अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, मगर मेरी जिंदगी में अरे बस इतनी सी बात है तो पहले बोलना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, कल तुम्हारे लिए अखबार में इश्तहार दे देते हैं, फिर देखना तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी यार। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम शादी कर लो, मेरा नंबर बाद में लग जाएगा। अच्छा अच्छा, शहीद होने के लिए मुझे आगे कर रहे हो हैं? तुम्हें मालूम नहीं अभिजीत, जिस दिन तुम घोड़ी चढ़ोगे ना, कितना डांस करने वाला हूँ मैं। घोड़ी मैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, पेपर वाला, पेपर वाला, आज की ताजा खबर। अभिजीत सर, सर ये आप ही हो ना सर? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। सर आप बहुत बहादुर हैं अभिजीत सर, काश मैं बड़े होकर आपके जैसा ऑफिसर बन पाता सर। क्यों नहीं, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से काम करोगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं। मतलब सच्ची में सर, मैं सीआईडी ऑफिसर बन सकता हूँ सर? हाँ, क्यों नहीं बन सकते, स्कूल जाते हो ना? हाँ सर, मैं दोपहर में स्कूल जाता हूँ और सुबह यह न्यूज़पेपर बेचता हूँ सर। वेरी गुड, तुम्हारी मेहनत का फल एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ सर, बस पहुँचने वाले सर। हाँ अभिजीत, हाँ इनसे मिलो, इनसे भी सतीश से। सतीश जी, ये अभिजीत और दया, सीआईडी की दो मजबूत बाजू, इन्हें कौन नहीं जानता सर। अभिजीत, दया, ये जो BTW रोड पर 1 महीने पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसका एकमात्र गवाह यह आकाश है, तब आतंकवादी आकाश के घर वालों को धमकी भरे और डराने वाले फोन करने लगे हैं ताकि आकाश कोर्ट में जाकर गवाही ना दे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक आकाश कोर्ट में गवाही नहीं देता,
तब तक आकाश और उसके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा आप लोग आपके हाथ में लें। चलो आकाश के घर वालों से मिलते हैं। आओ। ये है आकाश की बीवी शमिता, वो कविता, नितिन की बीवी, चाचा राजेश, और ये आकाश का भतीजा। और सर आकाश, आकाश कहाँ? आकाश को हमने एक खुफिया और सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है। अब जब केस आप लोगों के हाथ में है तो आकाश को भी आप ही को सौंप दिया जाएगा। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि आकाश कोर्ट में गवाही दे। कितने लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मरे हैं, आकाश की गवाही देने से वो लोग जिंदा तो नहीं हो जाएंगे ना? देखो शमिता, इन आतंकवादियों को अगर सजा नहीं हुई तो और भी बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे और भी मासूम लोगों की जाने जाएंगी। आपको तो अपने पति पे गर्व होना चाहिए कि वो इतना साहसिक कदम उठाने जा रहे हैं। गवाही वाले दिन तक तो आप लोग उसकी सुरक्षा करेंगे, पर उसके बाद क्या होगा? जब तक आकाश के सिर से खतरा नहीं टलता, हम साये की तरह उसके साथ रहेंगे। इस केस का पूरा दारोमदार इस आकाश पर है। आतंकवादी पूरी कोशिश करेंगे कि आकाश सुनवाई के दिन कोर्ट ना पहुंचे। आकाश कोर्ट भी पहुंचेगा और गवाही भी देगा। गुड, ये वही घर है जहां हमने आकाश को पूरी सुरक्षा के साथ रखा हुआ है। कहाँ है ये घर? इस लिफाफे में। इस घर का पूरा एड्रेस और आकाश को जहां से ले जाना है, रास्ते का पूरा नक्शा भी। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर केस की तरह इस केस में भी सीआईडी को कामयाबी हासिल होगी। गुड लक जेंटलमैन। थैंक यू सर। कोई तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा आकाश को घर से बाहर निकालने के लिए। हाँ सर, आतंकवादी नजर रखे होंगे इस घर पे कि कब ये आकाश घर से बाहर निकलेगा और कब वो उसे खत्म कर देंगे। अभिजीत, आकाश को इस घर से सही सलामत बाहर निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। कल सुबह इस घर से सुबह 9 बजे 2 गाड़ियां निकलेगी। एक गाड़ी में सचिन के साथ रहेगा आकाश और दूसरी गाड़ी में रहेगा निखिल। फिर 9:30 बजे और 2 गाड़ियां निकलेंगी, उसमें एक गाड़ी में रहेगा विनित और आकाश और दूसरी गाड़ी में पूर्वी, और फिर तीसरी गाड़ी निकलेगी 10 बजे जिसमें फ्रेडी के साथ रहेगा आकाश और दूसरी गाड़ी में रहेगी श्रेया। तीन तीन आकाश। प्लान तो बहुत अच्छा है सर, मगर मैं किस गाड़ी में रहूंगा? तुम एक अलग ही गाड़ी में जाओगे, ड्राइवर बनकर, इगतपुरी। इगतपुर क्यों सर? आकाश की बेटी सिया वहां पर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि उसके स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही है तो तुम उसे घर लेकर आओ। तो सर सिया की जान को भी खतरा है। देख, फिर भी अगर सिया अभिजीत के साथ घर लौटेगी तो अच्छा ही है ना? ओके सर। मगर हाँ, उसे पता चलने मत देना कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा सर। बॉस, सीआईडी वाले 2 गाड़ी में निकले हैं बॉस। आकाश कौन सी गाड़ी में? पहले वाली सफेद गाड़ी में। अरे ये क्या, कुछ तो चक्कर है बॉस, ऐसी 2 गाड़ियां और आई हैं अगली। आकाश तो निकल गया ना, फिर किसकी? मैं आपको वापस फोन करता हूँ बॉस। एक और आकाश, ये क्या चक्कर है? रेडी, तुम लोग जल्दी निकलो। तीन तीन आकाश, तीन अलग अलग गाड़ियों में
तीन अलग अलग आकाश। आकाश एक ही है, बाकी दोनों बहुरूपी हैं। तो बस अब क्या किया जाए? आकाश तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम सही वक्त पे कोर्ट पहुंच जाओगे और उन आतंकवादियों के खिलाफ गवाही भी दोगे। थैंक यू सर। विनीत सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ सर सब एकदम ठीक है, हमने अभी भी चेकना का क्रॉस किया है सर। हम लोग तुमसे 50 किलोमीटर आगे हैं। अच्छा ये बताओ कि आकाश कैसा है? एकदम फिट है सर। डरने की जरूरत नहीं है आकाश, ग्रेडी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे मुजरिमों के पसीने छूट जाते हैं, सूखे हुए पत्तों की तरह कांपने लगते हैं वो। हाँ अभिजीत जी है ना? जी बिल्कुल। वो देखिए सिया आ गई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सिया को ये मत बताइएगा कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। मैं नहीं चाहता कि सीआईडी का नाम सुनकर वो घबरा जाए। उसको आप बोलिएगा कि मैं उसका ड्राइवर हूँ। श्योर। वैसे सिया बहुत ही रिजर्व टाइप की लड़की है, जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो उसकी बातों की दुकान बंद नहीं होती। सिया ये अभिजीत अंकल हैं, तुम्हें लेने आए हैं। बेटा मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। अरे ये कहाँ गए? अपने काका से अलविदा कहने। काका। अरे मेरी बिटिया तू जा रही है? हाँ काका, कुछ ही दिनों के लिए तो जा रही हूँ, आप मुझे याद करोगे ना? अरे बेटा मैं तो तुझे ही रोज याद करूंगा, तू मेरी छोटी सी परी है ना। और आज देखो आपकी परी आपके लिए क्या लाई है। इसकी क्या जरूरत है बेटा? जरूरत कैसे रही थी? आपका पूरा शॉल फट गया था ना। दूसरों का कितना ख्याल रखती है, अपना भी ख्याल रखता कर। और हाँ बेटा घर जाना तो अपने मम्मी पापा से इस काका का नमस्ते कह देना बेटा। कह दूंगी काका। और हाँ काका अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेना। अरे हाँ मेरी दादी अम्मा, अब तुम जाओ। आइए बेटा बैठिए। इस गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। मोगेम्बो ने जाल बिछाया हमारे लिए।
इधर बैरल हटाओ यहाँ से। नन्हे दोस्त से कैसे दोस्ती करूं? अरे नहीं बेटा, खिड़की नहीं खोल सकते। क्यों? वो आपको ठंड लग जाएगी ना। मेरे को जुकाम लगेगा ना, मेरी नाव के आपको क्या उससे? नहीं, अगर जुकाम हो गया आपको तो आपके नाक पे गुस्से के बैठने की जगह नहीं रहेगी, इसलिए करके खोल नहीं सकते ये। ये गाड़ी काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। ये क्या हो गया गाड़ी में? अरे कुछ गड़बड़ हो गई है गाड़ी में बेटा। आप ठीक है? मुझे भूख लगी है। हाँ तो आगे एक होटल है, वहाँ पे खाना खा लेते हैं। पहले खाना खाने हेलो पूर्वी, सब ठीक है ना? हाँ भी नहीं। कोई पीछा तो नहीं कर रहा? नहीं, कोई नहीं, सब क्लियर। हे मिस्टर, यहाँ क्यों खड़े हो? दिखाई नहीं देता ये लेडीज टॉयलेट है। सॉरी आंटी, एक छोटी बच्ची का वेट कर रहा हूँ। क्या, मैं आंटी दिखती हूँ? नहीं आंटी नहीं, दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ नहीं, वहाँ जाकर के इंतजार करो, ठीक है ना? जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। आजा सिया, आजा। तुम्हारा नाम क्या है? रेशम। तुम्हें भूख लगी है? ये लो चॉकलेट खाओ।
ये चॉकलेट तुमने इसे क्यों दी? तुम जानती हो ये कौन है? मैं इस तरह के बच्चों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। इनको उंगली दो तो ये हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ दो तो ये कंधा उखाड़ लेते हैं, समझी तुम? मगर आंटी से भूख लगी है। मुझसे बहस मत करो। किसके साथ है तुम? मैं उन्हें अभिजीत अंकल के साथ आई हूँ। ठीक है, अभी मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। किस तरह के लापरवाह इंसान है आप? अपनी बच्ची का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकते? लीजिए, संभालिए इसे। सिया बेटा, एक काम करो, तुम वो सामने टेबल है ना, वहां जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। अभिजीत अंकल, आप उस बच्ची को प्लीज मत डांटना, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे चॉकलेट दी। नहीं, अब तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, जाओ प्लीज। हाँ, आइए रेशम बेटे, अपनी दीदी के पास बैठो। हैं? हाँ बोलो, क्या खाओ? पाव भाजी, डोसा, पिज्जा, बोलो। मैनेजर, मैनेजर, अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, बताइए क्या बात है? अरे इस तरह के फटीचर बच्चे यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो हम जैसे लोग कहाँ जा करके खाएंगे पिएंगे? शट अप, शर्मानी चाहिए आपको इस तरह की घटिया बातें जुबान से निकालते हुए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप अपने इस ऊंच नीच के दायरे में इस कदर अंधी हो गई हैं, इस छोटी सी बच्ची की मासूमियत नजर नहीं आती आपको? है? ये बच्ची यहीं पे खाना खाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए मैनेजर साहब, ये बच्ची रेशम फिर कभी भूखी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसे मिलने आता रहूंगा। ओके सर। आ बेटा, सर आइए बेटा। बैठिए मैडम। वैसे तुम इतना भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अच्छा, चलो इतने घंटों बाद तारीफ का एक शब्द तो निकला आपके मुंह से। ये कोर्ट और कितनी दूर है श्रेया? सर हम बस 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। सर कोर्ट के बाहर एक बहुत ही अच्छा समोसे वाला है। समोसे की दुकान? समोसे का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। सर वहाँ पहुँच कर आप समोसे खा लीजिएगा, मेरे हिस्से के भी। हाँ हाँ, तेरे हिस्से का भी खा लूंगा, लेकिन याद रखना एसीपी साहब को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। ये क्या है? क्या हुआ सर? श्रेया, ना बारिश ना तूफान, ये बीच सड़क पे पेड़ कैसे गिरा हुआ है? पेड़? सर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? उतर के देखता हूँ। तुम एक काम करना, आकाश को कवर करना। सर आप चलिए मेरे साथ। तुम इनको संभालो, मैं आकाश को देखता हूं। आकाश को संभालो, उसे अकेले मत छोड़ना। सर मैं यही हूँ आकाश के पास। ये समझ में नहीं आ रहा है, फायर कहां से हो रहा है? आ! आ!
चलो जल्दी जल्दी, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ये तीन रबर के मास्क पहनकर ये तीनों बन जाएंगे आकाश। ग्रेट आइडिया सर। आकाश, कभी कभी टेढ़े मुजरिमों के साथ निपटने के लिए सीआईडी को भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पता चल जाएगा उन आतंकवादियों को, जब सीआईडी कभी किसी के पीछे पड़ती है ना, तो क्या अंजाम होता है। कोर्ट पहुंचने वाले हैं, प्लान सक्सेसफुल। प्लान तो कामयाब होना ही था रहा है, लेकिन हमारे बाकी ऑफिसर्स का क्या हाल है? हमला तो सब पे किया, पर वो लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर सके। ग्रेट, अब उन आतंकवादियों को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता था। लो ना लो भाई खिलो ना, लो ना लो भाई। अब जीत अंकल प्लीज खिड़की खोलो ना। नहीं बेटा, सिग्नल पे खिड़की नहीं खोल सकते हैं। अभिजीत अंकल प्लीज ना, मुझे वो खिलौना चाहिए। बात को समझो सिया बेटा, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, खिड़की नहीं खोल सकते, बात समझो। ठीक है, मैं भी कौन सा अपने लिए खरीद रही थी, मैं तो आपके लिए खरीद रही थी। मेरे लिए? बेटा मेरी उम्र अब खिलौने से खेलने की नहीं रही। अरे बुद्धू, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए। लेकिन सिया बेटा, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं। थोड़ी नहीं थी, आपके अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ, वो कोई लड़की मिली नहीं तो अभी शादी नहीं हुई। मैं तो आपको देख के पहचान गई थी, आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी। अच्छा, बहुत बहुत जानकारी है तुम्हें इन चीजों की, हैं? हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरे बॉडीगार्ड हो। बॉडीगार्ड? कैसे? क्योंकि ड्राइवर्स के पास गन नहीं होती। ओह, यस बेटा, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। और किसी ने भी सिया बेटे की तरफ नजर उठा के देखा तो ये बॉडीगार्ड उसकी नानी याद दिला देगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जेंटलमैन प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। अच्छा, अब हमारी फ्रेंडशिप तो हो गई। हाँ, तो आपको गिफ्ट देना तो बनता ही है। कि, अरे क्या दूं? ये क्या कर रहे हो बेटा? नहीं बेटा, ये अभी आपका है, ये मेरा लकी बैंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था, और अब मैं ये आपको दे रही हूँ। बहुत प्यारा है, थैंक यू बेटा। पहुंचेंगे अंकल? बेटा, अब तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर।
कैसे गाड़ी चला रहा है? ठीक हो बेटा? हाँ अंकल। क्या हुआ अंकल, ये गाड़ी हमारी तरफ क्यों घूम गई है? कुछ लोगों को गलत रास्ते पे चलने की आदत होती है बेटा। देखो बेटा, जैसा अंकल कहेंगे वैसा करना, ओके? पर क्या होने वाला है अंकल? कुछ तो होने वाला है, लेकिन तुम डरना नहीं, ओके? मैं डरती नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सिया, जब तक मैं कुछ ना बोलू ना, इस कोर्ट के अंदर ही रहना, ओके? चार गोली। एक काम करो बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ, हैं? लेकिन अंकल, ये हमें मारना क्यों चाहते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बेटा, बुरे लोग हैं, बुरे लोगों को अच्छाई से डर लगता है। तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, ओके? नहीं अंकल, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। प्लीज बेटा। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, जितने दूर हो सके उतने दूर भागो। और ये, लेकिन अंकल आप, एक मिनट बेटा, ये मेरा मोबाइल ले जाओ, दूर जाके दया अंकल को फोन करना, वो तुम्हें बचा लेंगे, ओके? लेकिन अंकल आप, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अंकल मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, जिद नहीं करते, तुमने अंकल से वादा किया था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी, और देखो ये तुम्हारा फ्रेंडशिप बैंड मेरे पास है ना, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी बेटा।
रुक जा बेटा, वहीं रुक जा। दो गोली, चार लोग। अभिजीत, लाके खोलो, लाके खोलो। तुम कुछ बहुत कर रहे हो, अभिजीत। अभिजीत, ये कुछ बोल नहीं रहा है सर, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, अभिजीत नहीं, अभिजीत। कुछ बोलो अभिजीत, प्लीज। सर, ये आपकी बात का बात है। आप इसे कुछ बोलिए सर, सर आपकी बात बताइए, सर प्लीज। अभिजीत। अभिजीत, इतना सारा खून बह गया, इनका फॉरो ऑपरेशन करना, जो कर रहे जल्दी करो, चलिए जल्दी 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 कुछ भी हो जाए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए।
हे भगवान, कुछ साल पहले मेरी वाइफ ने दया सर के जान की भीख मांगी थी, आज मैं तुझसे अभिजीत सर के जान बचाने की दुआ मांगता हूं। मैं जानता हूं कि मैं तुझे बहुत तकलीफ देता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ मांगता रहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस अभिजीत सर की जान बचा लो, अभिजीत सर की जान बचा लो भगवान। सर अभिजीत सर को कुछ नहीं होगा सर, सब मेरा दिल कह रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। ऑपरेशन चल रहा है सर, खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? खून बहुत बह चुका है, बहुत बह चुका है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तारिका पी रही बेटा, कुछ नहीं होगा अभिजीत को, हाँ कुछ भी नहीं होगा अभिजीत को, हाँ कैसा है? दया, डॉक्टर साहब बताइए क्या बात है? एसीपी साहब खबर अच्छी नहीं है। लेकिन क्या क्या खबर है, कैसा है अभिजीत बताइए। अभिजीत के साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक महीना हो चुका है। मगर अभिजीत के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका विश्वास नहीं हो रहा सर। ऐसा लगता है कि अभी इस दरवाजे से अंदर आएगा, ब्यूरो में मुझसे कहेगा कि इस केस में मुझे यह पता चला है हमें ऐसा करना होगा वैसा करना होगा, फोन की घंटी बजती है तो मुझे लगता है कि सर मुझे लगता है कि अभिजीत
कहा गया सर, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त जो मेरी मेरी एक आवाज पर कहीं से भी आ जाता था, बुलाना मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है बुलाना। हाँ दया, समझ सकता हूं मैं, तुम उसे भूल नहीं सकते, हालांकि मैं भी नहीं भूल सकता अभिजीत को, लेकिन अतीत को भूलना ही होगा दया, अतीत को भूलना ही होगा और वर्तमान का स्वीकार करना होगा हमें। दया, होनी को हम टाल नहीं सकते थे, जो होना था हो चुका। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, और हमारा अभिजीत ही क्यों? हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके सर, कुछ नहीं कर सके। वो वहां सड़क पे गोलियां खाकर तड़प रहा था और मैं देखता रहा सर, मैं कुछ नहीं कर सका उसके लिए। हम करेंगे दया, जरूर करेंगे। जिसने भी अभिजीत पर गोलियां चलाई ना, उन्हें एक एक करके पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे और फांसी के तख्ते तक लेकर जाएंगे। कोई नहीं छूटेगा हमसे, बस एक बार वो आकाश कोर्ट में गवाही दे, बस। आकाश कल कोर्ट में गवाही नहीं देंगे। क्या आकाश कल कोर्ट में गवाही नहीं देगा? क्यों, ये तुम क्या कह रही हो शमिता? आकाश हमारा एकमात्र गवाह है, एकमात्र गवाह, और अगर आकाश ने कोर्ट में गवाही नहीं दी तो बाबुल को फांसी नहीं होगी, लेकिन मेरी बेटी की जान तो बच जाएगी ना। वैसे भी अब तक सीआईडी कुछ नहीं कर रहा है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि सिया जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन मिली तो नहीं ना अब तक, एक महीना हो गया, लेकिन आप लोगों ने अब तक ये नहीं पता लगाया कि किडनैपर्स ने मेरी बच्ची को रखा कहाँ है। ऊपर से हमें धमकी भरी कॉल्स आ रही है कि अगर आकाश ने कल गवाही दी तो वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। देखिए, हमें गवाही वगैरह देकर महान बनने का कोई शौक नहीं, हमें हमारी बच्ची ज्यादा प्यारी, और यही बताने हम यहाँ आए हैं कि कल कोर्ट में आकाश गवाही नहीं देगा। आकाश, क्या तुम गवाही नहीं दोगे? देखो आकाश, हम तुम पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल रहे, कोर्ट में गवाही देनी है या नहीं देनी ये सिर्फ तुम्हारा ही फैसला रहेगा। बस इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम कोर्ट में गवाही दो। देखिए प्लीज, इस तरीके से मेरे पति को भड़काना बंद करिए, वो अपना फैसला ले चुके। आकाश, हमें हमारी बेटी जिंदा चाहिए ना, कह दीजिए आप इन लोगों से कि कल आप कोर्ट में गवाही नहीं देंगे। बताओ आकाश, क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगे या नहीं दोगे? I'm sorry sir। देखा आपने, और आप लोग प्लीज, आपके साथी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बदला लेने के लिए मेरे पति का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर होगा। क्या कहा आपने, हम अपने साथी का बदला ले रहे हैं? शमिता जी, अगर आपको चिंता है तो सिर्फ अपने परिवार की, आपको आपके बेटे की चिंता है। आपको मालूम ही है कितने लोग मारे गए उस ब्लास्ट में, कितने घर उजड़ गए, कितने लोग जल के राख हो गए, आपको मालूम है? नहीं, पर आप कह रही हैं कि आकाश, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जीकर भी देखो, दूसरों के लिए जीकर देखो। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर,
इस केस के सिलसिले में मैं सिर्फ एक ही गवाह पेश करूंगा, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि 4 जुलाई को BTW रोड पर जो धमाका हुआ था उसमें बाबुल का ही हाथ था। गवाह को पेश किया जाए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो मिस्टर आकाश, जरा गौर से देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसे आपने 4 जुलाई को BTW रोड पर बम रखते हुए देखा था? बोलिए मिस्टर आकाश, यही है ना वो आदमी जिसे आपने उस दिन बम रखते हुए देखा था? मिस्टर आकाश आप घबराइए नहीं, आपने जो कुछ भी देखा है वो अदालत को सच सच बताइए, वो भी बिना किसी डर के। अगर आकाश ने कल गवाही थी तो वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। कि अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जीकर भी देखो। जी सर, ये वही आदमी है। शमिता प्लीज ऐसी मनुष्य बातें मत करो, सिया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो एक अच्छे बाप बनने से ज्यादा एक अच्छे नागरिक बनाने की पड़ी थी ना। शमिता एक बात कहो, देखो सिया बहुत जल्दी वापस आ जाएगी तुम्हारे पास। एक महीना हो गया और मैं सिया का आप लोग कुछ पता नहीं लगा पाए। ऊपर से आप ये दावा करते कि वो वापस आ जाएगी, बताइए मेरी सिया कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ अपने मेडल की गिनती बढ़ाने की पड़ी, और उसके लिए चाहे एक माँ की बच्ची से छिन जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये वही ACP प्रद्युमन है ना जिन्होंने अपने खुद के बेटे को मार डाला था। आप महान होंगे ACP साहब,
पर हम लोग आम इंसान हैं और हमें आपकी तरह महान बनने का कोई शौक नहीं है। शमिता सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आप तो जानते ही ना। मैं समझ सकता हूं। सिया, सिया, सिया तने, सिया, 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 सिया। नहीं, हाथ मत लगाओ। सचिन, फ्रेडी, देखो बाहर कोई है क्या? पूर्वी, इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ। सर, बॉम्ब हो सकता है। आप लोग सब अंदर जाइए, दूर हट जाइए। हो सकता है बॉम्ब हो इसमें। जाइए प्लीज। बम नहीं है इसमें, फिर होगा क्या इसमें? डॉक्टर साहब, अभिजीत को होश आ गया। थैंक गॉड। अभिजीत, कैसी है तबीयत अब? हाँ, उठने का नहीं। डॉक्टर ने कहा है कम से कम 2 महीने बिस्तर में लेटे रहना पड़ेगा। ये डॉक्टर लोग कुछ भी कहते रहते हैं सर, उन्हें क्या पता। एक CID ऑफिसर की तबीयत बेड पे लेटने से नहीं, ड्यूटी पे जाने से ठीक होती। मैंने कहा था ना, ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। दोबारा हॉस्पिटल के आसपास नजर भी नहीं आना। तुम्हें इस हाल में देखकर हम सब पे क्या बीत रही है हम बयान नहीं कर सकते। इतनी चिंता मत कर यार, तुम्हारे पोतों को कहानी सुनाए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला। तारिका, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। थैंक यू। लगता है मुझे अब दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ध्यान रखा करो अभिजीत, गोली तुमको लगती है और दर्द हम सबको होता है। अरे अभिजीत, अरे कमाल है यार भाई, छुट्टियां लेनी थी तो प्रद्युमन को बोल देते, ये मना थोड़े ही करता है। उसके लिए इतनी गोलियां खाने की क्या जरूरत है यार। देखा सर, इस हालत में भी सारों के साथ मेरी टांग खींचने से बाज नहीं आ रहे। नहीं नहीं, ये तो सालों का तरीका है मोहब्बत जताने का दोस्त। अच्छा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना लैब में नोकझोंक करने में मजा नहीं आता यार। सर वो सिया, सिया कैसी है सर? क्या हुआ? आकाश ने कोर्ट में गवाही नहीं दी क्या? हाँ, आकाश ने कोर्ट में गवाही दी ना, और बाबुल को फांसी की सजा भी सुना दी गई। ये बहुत अच्छी खबर है सर।
हाँ अभिजीत, अच्छी खबर तो है लेकिन उसके साथ साथ एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? हाँ। क्या सर? वो नहीं, कुछ नहीं। पहले तुम ठीक हो जाओ, इस केस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या है वो बुरी खबर सर? सिया, सिया नहीं मिली ना अभी तक आप लोगों को, यही बुरी खबर है ना। कोई बात नहीं सर, मैं अब ठीक हो गया हूं, हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। अभिजीत, सिया अब कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी? क्यों क्यों नहीं मिलेगी? मैं ढूंढूंगा ना उसे। उन आतंकवादियों ने सिया की जान ले ली। मर दिया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभिजीत, अभिजीत, ये नहीं हो सकता। अभिजीत, ये नहीं हो सकता। अभिजीत संभालो अपने आप को। ये नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं अभिजीत, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तुम्हारी गलती नहीं है। संभालो अपने आप को, बैठो। नाकाम कोशिशों का कोई फायदा नहीं है तेरा। सिया की मौत जिंदगी भर मेरे दिल पे बोझ बन के रहेगी। उसकी मुस्कुराहट हमेशा मुझसे पूछेगी कि अभिजीत अंकल, आप मुझे क्यों नहीं बचा पाए? अभिजीत अंकल, आप मुझे क्यों नहीं बचा पाए? सर, गौर करने वाली बात यह है कि बाबुल को फांसी का ऑर्डर मिलने के कुछ ही घंटों में सिया को मार डाला गया। मतलब सर, कोई तो है जिसे बाबुल ने कहा होगा कि अगर आकाश ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी तो सिया को मार डालो। और वो उन्हीं में से है दया, जो बार बार बाबुल से मिलने जाते थे जेल में, या फिर वो उस दिन कोर्ट में मौजूद था जिस दिन आकाश ने बाबुल के खिलाफ गवाही दी। दया, सिया की मौत से अभिजीत को गहरा धक्का पहुंचा। उसे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक उस बच्ची का कातिल पकड़ा नहीं जाता। आप मुझे याद करोगे ना? और आज देखो, आपकी परी आखिरी क्या लाई है? ये लो, चॉकलेट का। अच्छा, अब हमारी फ्रेंडशिप तो हो गई। हाँ। तो आपको गिफ्ट देना तो बनता ही है। ये क्या कर रहे बेटा? नहीं बेटा, ये मेरा लकी बैग। तुम यहाँ पे? माना कि मैं तुम्हारा गम मिटा नहीं सकता, मगर बांट तो सकता हूँ। नहीं दया, वो गम सिर्फ मेरा है, वो दर्द मेरा है, मैं बांट नहीं सकता। दया, जब तक सिया के खूनियों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, मुझे चैन नहीं आएगा। दया, प्लीज
जब तक मैं यहां से कुछ सुराग न ढूंढ लूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन जो कार यहां पे थी, क्या मैंने उसे होटल में देखा था। होटल में? गाड़ी का रंग या नंबर वगैरह कुछ याद है? लाल रंग की कार थी दया, और उस पे पीले रंग की पट्टी बनी हुई थी, और उसका नंबर था 7M02M7347। ठीक से नंबर याद है ना? जिस सीआईडी बनने का बड़ा शौक है सर। दया, 7347। साहब ये चोरी की कार नहीं है, इसके मालिक ने मुझे बेची है साहब। जी, गाड़ी को देखकर लगता नहीं है कि गाड़ी काफी दिनों से यहाँ से हिली भी है। क्या ये वो कार नहीं है? लाल रंग की बैक्स्टर कार थी, इसका मॉडल भी अलग है, रंग भी अलग। मतलब कोई तो है जिसे मालूम था कि ये गाड़ी यहाँ पे पड़ी सड़ रही है, इसे नकली नंबर प्लेट बना के लाल रंग के बैक्स्टर कार में चिपका दिया। बाबुल को जानते हो? बाबुल? कौन बाबुल? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ साहब, कौन है वो? वही बाबुल जिसे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वो आतंकवादी? साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अपने देशवासियों के खिलाफ गद्दारी करने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूं साहब। तो फिर ये गाड़ी का नंबर उन लोगों के पास कहाँ से आया? वही तो है जिसने ये नंबर बताया उनको। हाँ साहब याद आया, कुछ दिनों पहले एक आदमी आया तो था सर, वो काफी टाइम तक गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेता रहा, उसे गाड़ी खरीदनी थी, और हाँ साहब उसने गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। क्या नाम है उस आदमी का? अंगद, अक्सर यहाँ पर आता रहता है। फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि ये अंगद मिलेगा कहाँ। भागने की सोचो भी मत, समझे? बेहतर यही होगा कि हमारे सवालों का सही सही जवाब दो। सर, हमने कभी बाबुल का किसी भी चीज में कभी साथ नहीं दिया। तो फिर क्या हर दूसरे दिन तुम बाबुल को जेल में खीर खिलाने जाते थे? पैसों के लिए साहब। मतलब? साहब, पंकज हमें हर बार 10,000 रुपये देता था जेल में जाके बाबुल को एक लिफाफा पहुंचाने के लिए। साहब है कौन ये पंकज? है साहब, वो हमारा दोस्त है साहब। दोस्त है? वो लिफाफा? उस लिफाफे में क्या होता था जो तुम बाबुल को देकर आते थे जेल में? क्या होता था उस लिफाफे में? पता नहीं साहब, हमने लिफाफा कभी खोल कर देखा नहीं। हाँ साहब, उस लिफाफे के अंदर क्या होता था ये तो सिर्फ बाबुल जानता है या फिर पंकज। ये पंकज कहाँ मिलेगा बताओ जल्दी। साहब वो यहीं पर आ गया साहब, अभी कुछ आधे घंटे में आ जाएगा साहब। आधे घंटे में आता ही होगा। मुझे छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया सर। छोड़ देंगे? सवाल का जवाब दे दे, छोड़ देंगे? सर मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी पुरानी गाड़ी का पार्ट चुराने नहीं गया था सर, प्लीज सर, प्लीज। अगर इस बार भी तेरा जवाब वही रहा ना तो सोच ले। तो क्या कर लेंगे आप लोग? क्या करेंगे? तेरे साथ ये गाड़ी यहाँ नीचे खाई में फेंक देंगे। मालूम है कितनी गहरी खाई है ये? हाँ, यही कोई 300 फीट है। मालूम है जब इंसान 300 फीट नीचे खाई में गिरता तो क्या होता है उसका? हड्डियों का कचुम्बर बन जाता है। हड्डियों का कचुम्बर तो बनेगा ही, नीचे गिरने से गाड़ी में आग लगेगी और वही तेरा क्रिया कर्म हो जाएगा, समझा? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। अगर कुछ बताएगा नहीं तो मरना तो पड़ेगा ही तुझे। दया, ये तोता ऐसे नहीं बोलेगा, चल तो इसको अंदर। बताता हूँ सर बताता हूँ। हाँ बता, किसको दिया था उस पुरानी गाड़ी का नंबर तूने? सर कुकू को सर, कुकू को। कुकू कौन है ये कुकू, कहाँ मिलेगा? सर
मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहता है सर। मालूम नहीं है? नहीं सर। चलो अंदर चलो। मुझे सच में पता नहीं वो कहाँ रहता है सर। ऐसे नहीं बताएगा दया, चल दो इसे अंदर। नहीं सर, सर बताता हूँ सर, सर बताता हूँ, बताता हूँ सर। सर सर वो रात को, रोज रात को एमराल्ड बार में रहता है सर। कहाँ पर हो पंकज भाई? जल्दी आओ ना पंकज भाई, आपके बगैर महफिल जम नहीं रही है। आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, जल्दी आओ सर। अभी बस वो पहुँचने वाला ही है, पहुँचने वाला ही है। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सर ये कबूतर मिला है, ये कह रहा है कि कुकू नाम के एक आदमी ने इसे दाना डाला था और कुकू यहां इस बार में आने वाला है। अच्छा, मतलब अभिजीत पर गोलियां चलाकर और फिर सिया को मारकर ये सारे पापी जश्न मनाने यहां आने वाले हैं। आने दो, देख लेते हैं। वो रहा कुकू सर। ये कुकू है सर। पंकज आ गया सर। पंकज? यस सर। मतलब दया, एक ही आदमी और दो दो नाम, कुकू और पंकज एक ही है। सारा गायब हो गया, यही कहीं होगा सर। अंकेश, उठो। अंकेश, क्या हुआ? अंकेश, सर, सर खून। अंकेश किसने मारा तुम्हें? अंकेश, पंकज, अरे, पंकज, पंकज, माय गॉड, सर ये तो मर गया। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला। हेलो एम्बुलेंस, किसी ने पंकज का खून कर दिया सर। यहीं पर मिलते थे या कोई और भी अड्डा है तुम लोगों का? सर ज्यादातर हम लोग यहीं मिलते थे सर। हाँ दो चार बार लू फाउंटेन स्कूल की मुलाकात हुई थी सर। लू फाउंटेन स्कूल? हाँ सर, वो अक्सर दोपहर 1 बजे वहाँ पे किसी औरत से मिलने जाता था सर, तो हमें भी कई बार वही मुला लिया करता था। ब्लू फाउंटेन स्कूल। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना उस औरत को जो पंकज को बार बार मिलने जाती थी? उसका चेहरा तो मुझे ठीक से याद नहीं है सर, अब लेकिन जिस कार में वो आती है सर वो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ सर। सर वो सर वो सर वो गाड़ी? हाँ सर। चल सर देखते हैं। पूर्वी इस पर ध्यान रखना। कविता जी आप? सर
सर, मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई को फांसी के फंदे से बचाने के लिए किया, और इसीलिए मैंने सिया की किडनैपिंग में उसका साथ दिया। सर, बाबुल ने मुझसे ये वादा किया था कि वो सिया को खरोंच तक नहीं आने देगा, और मुझे भी लगा कि सिया को बचाने के लिए आकाश भैया अदालत में बाबुल को नहीं पहचानेंगे। मगर आकाश ने ऐसा नहीं किया। हाँ सर, और गुस्से में आकर बाबुल ने अपना वादा तोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि बाबुल सिया को नुकसान पहुंचाने वाला है तो मैं उसका साथ कभी नहीं देती। अब तो पता चल गया तुम्हें, मुजरिम किसी के सगे नहीं होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाबुल और उसके साथियों को आप बिल्कुल मत छोड़ना। राज पैलेस में है उनका अड्डा। राज पैलेस, वो खंडर। यहाँ पे 6 लोग दिख रहे सर, चारों तरफ से घेर लेते हैं। छोड़ दो, तुझे छोड़ दो। क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तेरा? क्यों मारा तूने सिया को? मैंने नहीं मारा सर, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा, फिर किसने मारा? किसने मारा? वो जिंदा है सर। सिया जिंदा है? झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू। सच कह रहा हूँ सर, वो जिंदा है सर। बाबुल ने कहा था उसे मार दो, लेकिन मैं उसे मारा नहीं सर। ये सोचकर उसे जिंदा रखा कि कभी गिरफ्तार हुआ तो उसका सौदा करूंगा अपनी जान के बदले। सच बोल रहा है ना? हाँ सर। कहाँ है सिया? वो ऊपर। सिया बेटा, सिया बेटा। सिया बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हो अंकल। I'm sorry बेटा, मेरी वजह से आपको यहाँ पे इतने दिनों तक रहना पड़ा। I'm sorry अंकल, मेरी वजह से आपको इतनी सारी गोलियां खानी पड़ी। अभी कुछ नहीं, अभी तुम्हारे अभिजीत अंकल बिल्कुल ठीक है। मुझे पता था मेरे सीआईडी अंकल मुझे बचाने जरूर आएंगे। कैसे नहीं आता बेटा, ये तुम्हारे फ्रेंड ने प्रॉमिस जो किया था। मुझे पता था मेरा फ्रेंड मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।